अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तो वो आप थी जिन्होंने ये फोटो भेजी थी रोहन की मां को, पर क्यों? ठाकुर साहब, आपके सामने ये सब लूट हो रही है और आप कुछ नहीं कह रहे? रोकिए ना इसे। बयान, छोड़ दो इसको। बड़े बाबूजी, मुझे और मौली को बदनाम करने वाले का असली चेहरा मैं सबके सामने ला के रहूंगा। जा रे जमाना, अरे छोड़ देना उसको। माँ बस एक मिनट। क्या किया और क्यों? क्योंकि क्योंकि हम ऐसा नहीं करते तो ये लोग तुम्हें दोबारा जेल भेज देते। देखो चाचा और चाची भी तो तुम्हें इसलिए रोक रहे थे ना। क्या तुम नहीं चाहती कि हमको बदनाम करने वाले का चेहरा सामने आए? किसी के बदनाम कर देने से हमारा रिश्ता बदनाम नहीं हो सकता है। बस एक फोटो दिखाकर कोई ये साबित कर सकता है क्या कि हम दोनों का रिश्ता गलत है? क्योंकि हमारे रिश्ते के साक्षी साक्षात भगवान भोलेनाथ है। विष महादेव ने भी पिया था, माता सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो हम क्या चीज है? इसलिए मुझे पता करना था कि हमें बदनाम करने के पीछे किसका हाथ है। लेकिन मेहरबानी तुम्हारी, अब पता नहीं कर पाऊंगा। देख रहा है रोहन बेटा, ड्राइवर के बेटे और मालिक की बेटी के बीच दांत काटी दोस्ती। इन दोनों के इश्क की चक्की में बाल बाल बच गया तो बिस्तर बिस्तर बस। बंद करो तुम्हारी ये नौटंकी। कितने बार कहा, बिहान हमारे ड्राइवर का बेटा नहीं, हमारे दोस्त का बेटा है। लेकिन तुम लोगों के ये बात समझ नहीं आती। अपना पैसा उठाओ और निकलो यहां से। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, इस तरह की विदाई की उम्मीद नहीं थी आपसे। निकल यहां से। ठाकुर साहब, ये आपने ठीक नहीं किया। गायत्री आंटी और रोहन को घर से निकालने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना? पता नहीं कब से चल रहा था इनका तो। वाह यार बिहान, बहुत अच्छा हाथ मारा है, डायरेक्ट मालिक की बेटी। क्या बोला? निकल। बस बिहान, सारे गांव में जगह घसाई हो चुकी है, किस किस को रोकेगा तू? हमें लगा था कि तू हमारी जिंदगी में ना एक नया सवेरा लेकर आएगा, लेकिन अब तो ये लगता है ना कि सारी जिंदगी मुंह छिपा कर बितानी होगी। चल यहां से। मैं हर सवाल का जवाब दे सकता था,
इन सब के शक दूर कर सकता था, हमारा सर फिर से फख्र से ऊंचा होता, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया सब कुछ। आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। हम जानते हैं अभिहान, हमने तुम्हें दुख पहुंचाया है, पर हम मजबूर थे, हम छोटी माँ का नाम सबके सामने नहीं ला सकते थे बिहान। से गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, तुझसे इतनी भी गलती नहीं हुई कि तुझे अपनी माँ से माफी मांगने पड़े। आप सही कहती थी, मुझे मौली के पीछे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए था। दिमाग से पैदा ले वो। नहीं नहीं बिहान, तुम इसलिए नाराज हो ना मौली से कि उसने वो फोन तोड़ दिया। लेकिन बेटा, लेकिन एक बात। नहीं बाबूजी, उसने सिर्फ फोन नहीं तोड़ा, उसने सवाल खड़े किए मेरी और उसकी दोस्ती पर। पर बाबूजी, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है हमें, चाहे किस दुनिया में आकर किसी ने हमें संभाला है तो वो बिहान ने संभाला है। पर छोटी माँ, आज आपके लिए हमने बिहान और हमारे रिश्ते को ताक पर रख दिया है, तो बस एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। जब इतनी ही नफरत थी हमसे तो काहे प्यार का दिखावा करती थी। जब इतना ही सौतेला समझती थी हमें तो काहे हमारी सगी माँ बनने की कोशिश करती रही। देखिए मस्त मौली सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।